तो जस्ट हमारा पूरा चेकअप खत्म हुआ है। कितने और मेरे साथ क्या हुआ तो बता। और अंजलि का थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा आया था। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी सुबह के बज रहे 6:45। हम लोग पूरा सामान पैक करके रेडी है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे आफ्टर लॉकडाउन। तो ये रहा हमारा सामान जो पूरा पैक है। और हम लोग इस बार ट्रिप के लिए जा रहे हैं मेरे होम टाउन अमरेली। सो बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही एकदम मजेदार व्लॉग बनने वाला है। और हमारा सबसे न्यूएस्ट मेंबर, क्या आप देखना चाहते हैं गाइस? ये देखिए, ये पांडा हमारे साथ, अंजलि लेके आई है पांडा, मेरा सोता पांडा। और अंजलि इसके अलग से पैसे लगेंगे, इसके पैसे कौन देगा? तुझे मैं धक्का मार के गाड़ी चला लूं। तू गाड़ी चला लेगी? हां और क्या, अमरेली मैं पहले 50 की स्पीड में चलो, मैं पहुंचा दूंगी। ठीक है चलो, पर इसके लगेंगे तो सही अलग से पैसे। रेडी चलो, कहाँ रखेगा, पीछे रख देगा? बैग लेके लैपटॉप वाले, लैपटॉप बैग जरूरी है ना भाई, मंडे आ जाएगा अपना, लैपटॉप से काम करना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, दुकान जा साथ में रखनी है। अच्छा, वेल अभी हो गई एक घंटे की ड्राइव, बजे 8:05। अभी आए ऑनेस्ट में चाय का ब्रेक लेने के लिए, एक घंटा कार चला ली। अच्छी है चाय, बेस्ट है, ब्रश कर दिया। 10 मिनट का छोटा सा ही ब्रेक लिया था, तो अभी ब्रेक खत्म करते हैं। चाय के लिए सब हम लोग यहाँ पे रुके थे ऑनेस्ट में, सीरियसली बहुत ही अच्छी चाय है ऑनेस्ट में। तो बस अब कार की तरफ निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पर। जागते रहिए। तो
फाइनली पहुंच गए गैलॉप्स। काफ़ी सारी स्टैंडर्ड ब्रांड्स है यहाँ पे, जैसे कि डोमिनोज, इस्कॉन गाठिया। क्या खाना है डोमिनोज में? डोमिनोज गाठिया, इस्कॉन गाठिया। हाँ डोमिनोज। सुबह सुबह पिज्ज़ा नहीं खाना? गले नहीं उतरेगा भाई, अपना देसी गाठिया खा रहे हैं, चाय पीते हैं। नहीं, हमने सोचा था ना चीज़ बस्ट और चाय डुबो के खाएंगे। अभी गाठिया से शुरुआत करते हैं, बाद में देखते हैं। पहले चाय और गाठिया खाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। ये हो गया नाश्ता रेडी, मस्का बन, चाय, गाठिया। सही है ना नाश्ता? और देखो पूरा मेन्यू तैयार है, चटनी, मसाला, मस्का बन, गाठिया। थोड़ा थोड़ा ऊपर देख के भी बोल, ऊपर देखने का मन ही नहीं। तो ये है पूरा गैलॉप्स, डोमिनोज, क्रेव, कर्णावती, टी पोस्ट, गैलॉप्स रेस्टोरेंट, सीसीडी भी है, टैमोर, संकल्प, काफ़ी सारी ब्रांडेड रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो अगर अमरेली या फिर भावनगर वाले रोड पे आप जा रहे हो तो गैलॉप्स पे ज़रूर रुकना नाश्ता करने के लिए, आपको सब वेराइटियाँ मिल जाएगी। और हमारा नाश्ता डन हो गया है। हाँ, तो हमारा नाश्ता डन हो गया है, तो अब निकल रहे हैं अमरेली की तरफ। आई होप अभी कोई होल्ट नहीं होगा ना रास्ते, एक आध होगा छोटा सा चाय वाला, चाय वाला शायद हो जाए होल्ट। को जब रास्ते पे गाय भैंस ज्यादा दिखने को लगे, मतलब समझ जाना कि अमरेली वाला रोड आ गया है। पहले भैंस गई, अब गाय जा रही है। वाह यार, ये तो फिर आगे बकरियां जा रही होंगी। फिर आगे आपको बकरियां मिलेगी, पतले होते जाएंगे, मोटे फिर पतले और पतले। पहले बड़े बड़े प्राणी आएंगे, फिर छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, ऐसे मतलब समझ जाना कि जिस रास्ते पे आपको गाय भैंस बकरियां सब मिल रही है तो वो अमरेली वाला रास्ता ही है। बहुत ज्यादा है, पहले नहीं था। नहीं, हर बार क्या है, दोनों तरफ भैंस सिक्योरिटी दे रही है, बीच में गाय, आगे भैंस है और पीछे भी भैंस है, मतलब गाय की सिक्योरिटी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। मोदी की गाय, ये हम काट देंगे, क्या पता अभी इतना अमरेली दूर पड़ रहा है कि तीन बार हमने ड्राइविंग पोजीशन चेंज किया। फर्स्ट मैं चला रहा था, फिर सागर आया, फिर अब वापस मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। बस अब अमरेली आ जाए तो अच्छा है, बहुत ही ज्यादा दूर है। अमरेली सोमवार से शनिवार तो जस्ट हमारा पूरा चेकअप खत्म हुआ है, मतलब टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक कर रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं कितने मेरे साथ क्या हुआ तो बता रहे। और अंजलि का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा आया था, मतलब क्योंकि हम लोग सीधे डायरेक्ट हम लोग वो उतरे थे एसी से कार में से, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसने बोला थोड़ा मुँह धो लो आप, फिर टेम्परेचर कम आया, फिर सही, और फिर चेक करके आगे जाए, उसके बाद थोड़ा आगे जाने दिया क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा था। और यहाँ पे सामने दिख रहे पुलिस वाले वो बैठे हैं और वो लोग चेक कर रहे हैं पूरा, और अच्छी तरीके से सब हैंडल कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं सबको वहाँ पे चेक करवा रहे हैं और नाम लिखवा रहे हैं, कितने दिन कहाँ रुक रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, अच्छा स्टेप है। सो फाइनली गए, पहुँच गए अमरेली, 5:30 घंटे लगे, अभी बज रहे 1:10। तो बस बहुत टायर्ड हम लोग, थक चुके हैं, तो अब घर जाके ही आराम करेंगे। सिर्फ व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी कंटिन्यू करने की कोई हिम्मत नहीं हमारा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया दें प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और ये है मेरा घर,
एंड आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.